कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह लोहा बाजार की जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट का भाव, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, साथ ही साथ कास्ट आयरन का भाव, चार्सी सीआरसी क्वाइल सरिया के बाजारों में किस तरीके से कामकाज, विदेशी बाजारों में किस तरीके से आयरन ओर के भाव में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को पूरा अंत तक देखेंगे और मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के भी बताएंगे, कहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर आप बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है विदेशी बाजारों में। तो विदेशी बाजारों की बात करते हैं, विदेशी बाजारों में अगर चाइना के बाजारों की बात करी जाए तो चाइना के बाजारों में आयरन ओर का भाव लगभग 1.25% की तेजी के साथ बाजारों में कामकाज हो रहा है। अगर कोयले की बात करी जाए तो कोयले के बाजार में भी आप बाजारों में लगभग 1.25% की तेजी के साथ, और कोल अगर कोक और कोयल की बात करी जाए तो दोनों में आप लगभग 1% की तेजी बाजारों में देखी जा रही है। तो आपने देखा कल बाजारों में जो गिरावट आ रही थी, गिरावट कुछ थमी और उसके बाद बाजारों में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई, लेकिन लंबी चौड़ी आप सोचेंगे बाजारों में तेजी आ जाए तो उस तरीके का माहौल बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। बाजारों में लगातार कई मंडियां बारिश बाढ़ की वजह से वहां पर व्यापार प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में साफ साफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कल एमएस सिंगट पे किस तरीके से कामकाज रहा है। एमएस सिंगट का बाजार 46,100 रुपए पे बाजार बंद हुआ। इसने अपनी गिरावट आ रही थी वहां पर स्टेबिलिटी आई और 100 रुपए की एक मामूली बढ़त देखी गई, जबकि एमएस स्क्रैप का भाव 35,600 रुपए हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट की अगर बात करेंगे 10,500 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। कास्ट आयरन की बात कर लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,300 रुपए, इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 41,300 रुपए रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आपको अगर जानना है तो मॉर्निंग 9:30 का शो आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको सोमवार शुक्रवार के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का भाव 40,300 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 41,300 रुपए, इसमें 100 रुपए पर टन के हिसाब से बढ़त दर्ज करी गई। एचआरसी सीआरसी क्वाइल के भाव में 1 से 2 दिन पहले ही बढ़त आई थी। लुधियाना एचआरसी क्वाइल का भाव 55,500 रुपए, सीआरसी क्वाइल का भाव 60,400 रुपए बोला गया, जबकि गाजियाबाद चार्सी क्वाइल का भाव 56,000 रुपए, सीआरसी क्वाइल का भाव 62,000 रुपए, कोलकाता चार्सी सीट का भाव 53,700 रुपए, सीआरसी सीट का भाव 59,800 रुपए रहा, रायपुर एचपीवायर का भाव 48,200 रुपए, जीआईवायर का भाव 53,300 रुपए, एमएस पाइप में अगर बात करेंगे तो 50,000 रुपए, रायपुर पाइप का भाव 46,500 रुपए रहा। चलिए बात करते हैं टीएमटी के मंडियों में क्या रेट रहा। टीएमटी में मंडी गोविंदगढ़ में 50,400 रुपए, दुर्गापुर का भाव 44,500 रुपए, इंदौर का भाव 49,200 रुपए, रायपुर का भाव 44,200 रुपए बोला गया। इसी तरीके जयपुर टीएमटी का भाव 48,500 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 48,500 रुपए, भावनगर का भाव 48,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 49,900 रुपए और जलना का भाव 48,200 रुपए, पटना का भाव 46,000 रुपए रहा। तो सभी बाजार अपने न्यूनतम लेवल पे आप देख रहे हैं, लोअर लेवल पे चल रहे हैं। जिसको भी खरीदारी करनी है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं और एक सपोर्ट लगा खरीदारी करिए, 50 पैसे का आप सपोर्ट लगाइए और खरीदारी करिए। यहाँ से 1 रुपए किलो की बाजारों में बढ़ोतरी बाजारों में देखने के लिए मिल सकती है। चलिए मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 45,700 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 46,500 रुपए का है। पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 35,200 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 36,000 रुपए का है। तो ओवरऑल आउटलुक में बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी आने की संभावना है, गिरावट से आप खरीदारी करके बाजारों में आप चल सकते हैं। आने वाले समय बाजारों में हल्की हल्की बाजारों में आपको एक रेंज बाउंड्री बाजारों में कामकाज होगा और रिकवरी आती हुई बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले आप मार्केट का ट्रेंड के लिए मॉर्निंग 9:30 शो ज्वाइन करिए और किसी भी रेट्स के लिए ए बी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। उसको जाके अगर आपको डेमो लेना है तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट्स 24। नमस्कार।